नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स को पढ़ रहे थे और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे जिस एग्ज़ाम में आने वाले थे, वो सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन है। एक बात और कि आप प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए, अच्छा या ख़राब। अगर अच्छा है तो उसके बारे में बताइए, अगर ख़राब है तो ऑल्सो यू डिसलाइक इट। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप उसे लाइक ही करिए, यू कैन डिसलाइक इट बट विद अ रीज़न। आप ज़रूर एक बात बताइए कि किस वजह से डिसलाइक किया है आपने, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आप सारे लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स हैं, कुछ उसके ड्यूटीज़ हैं ना, वो किस तरह से काम करता है, क्या क्या उसके ज़रूरी पद के उत्तरदायित्व तो हैं, तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ चार आर्टिकल हैं जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं और वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आज हम लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर को दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, बड़ा हो जाता है वीडियो तो आप ही लोग उसको डिसलाइक करते हैं, तो इसलिए हम लोग चार आर्टिकल, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पावर्स की बाद में बात करेंगे। तो आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्रिमंडल होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, क्या करने के लिए, प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए और प्रेसिडेंट की मदद करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझना ज़रूरी है कि किसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स नाम का वर्ड है जिसे आप मंत्री समझ रहे हैं, तो मिनिस्टर्स का ही एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। मिनिस्टर्स, ध्यान रखिएगा, जब जब मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करूँगा तो प्रधानमंत्री इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर विद अदर मिनिस्टर्स, दिस इज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो क्या कहा गया इसके बारे में, देखिए कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक जो है वो मंत्रियों का समूह होगा पूरा का पूरा, विद प्राइम मिनिस्टर एट इज हेड, मतलब प्रधानमंत्री उसका हेड होगा। मंत्रिमंडल का हेड कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, इट विल बी हेडेड बाई दी PM। और वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा, प्रधान राष्ट्रपति को सलाह देगा, उसकी मदद करेगा। अब देर इज़ अ क्वेश्चन कि वो जो सलाह देगा वो बाध्य है, उसको मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ये नहीं मानना पड़ेगा। तो पहले ऐसा कहा गया कि जो भी एडवाइस दी जाएगी उसी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट काम करेगा। बट इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी, मतलब कि प्रेसिडेंट उसे इग्नोर नहीं करेगा, उसे करना ही पड़ेगा, वो जो भी PM रिकमेंड करेगा, PM और उसकी कैबिनेट जो भी कहेगी, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी पड़ेगी, बाइंडिंग होगी। किस में कहा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, आपको पता ही होगा 1976 में हुआ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। अब उसके बाद 42nd में जब ये कहा गया कि ये बाइंडिंग होगी, तो एक और बात कंसीडरेशन में आई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। तो 1978 में एक नया बात उसी में ऐड कर दिया गया कि यस इट इज़ बाइंडिंग, बट जो प्रेसिडेंट है उसे एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, जैसे कोई सलाह PM और उसकी कैबिनेट दे और प्रेसिडेंट उसे रिकंसीडर करने के लिए भेज दे कि वन मोर टाइम यू थिंक ओवर इट। अगर वो दोबारा वैसे ही भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू अग्री विद इट। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें क्लियर। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी एडवाइस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर देंगे, प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट देंगी, वो किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 74 के बाद आर्टिकल 75 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि कुछ ज़रूरी बातें हैं जो
प्रोविजंस हैं एज टू द मिनिस्टर्स, उनके क्या क्या कार्य हैं, दायित्व हैं, हम लोग देखते हैं पीएम के. तो कहा गया प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. समझने की कोशिश करिए आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जो नियुक्त होगा वो राष्ट्रपति द्वारा होगा और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी ऑल अदर मिनिस्टर्स दे विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट दे विल बी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. मतलब प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी. ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति. और बाकी सारे मिनिस्टर्स कौन कौन अपॉइंट करेगा? करेगा तो राष्ट्रपति लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर. ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पॉइंट्स के बारे में समझना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, ये जो पीएम और कैबिनेट उसकी होती है ये लोकसभा की होती है. दो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो कैबिनेट का सदस्य है, जो उसके मंत्री होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा से हों, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं. अभी उसके एग्जाम्पल्स भी आप जानते हैं कि आपके मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, वो खुद भी राज्यसभा से थे. तो इस तरीके से जो मिनिस्टर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं लोकसभा से हो, लेकिन क्योंकि लोकसभा को जनता का सदन माना जाता है, पब्लिक हाउस माना जाता है, पॉपुलर हाउस माना जाता है, जनता का सदन माना जाता है, इसलिए ये जो कैबिनेट होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है. मिनिस्टर्स किसी भी सदन के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी मान लीजिए सरकार अपने यहाँ कब तक बनी रहती है पावर में, जब तक उसका बहुमत होता है. और मान लीजिए कि अभी जैसे राजस्थान का क्राइसिस चल रहा है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जब वो, तो हालांकि विधानसभा है, इन द सेम पैटर्न हम लोग लोकसभा का भी सोच सकते हैं कि लोकसभा में अगर मान लीजिए सरकार बहुमत में नहीं है तो इस बात का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, वो केवल कहाँ होता है? लोकसभा में ही होता है. और अगर पारित हो जाएगा, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ये विश्वास सिद्ध ना कर पाए सरकार, तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है. ऐसा नहीं कोई एक मिनिस्टर जाता है, तो कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल इन लोकसभा. तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश होता है, इट इज़ कलेक्टिवली, इट मेक्स द मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. इसीलिए कहा जाता है कि जो कलेक्टिव समूह के रूप में वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति मिनिस्टर्स उत्तरदायी होते हैं. बट यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि वो इंडिविजुअली, मतलब व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, उनका उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है? तो देखिए, वो कलेक्टिवली तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट देम. और यहीं पर एक बात कही गई है कि दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ध्यान रखिएगा, प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब मर्जी करेगा तब उन्हें हटा देगा. राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से हटाता है, लेकिन इट इज़ अ टर्म मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो मिनिस्टर होते हैं वो किसकी सहमति तक पद पर बने रहते हैं, तो इट इज़ ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, कोई भी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और उसे हटाता भी राष्ट्रपति ही है. इसलिए व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति को जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, और क्या 75 के अंतर्गत कहा गया है कि ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी. ध्यान रखिएगा, जो ओथ होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो ऑफिस की और एक सीक्रेसी की. ठीक है, और ये जितनी भी ऑफिस की या सीक्रेसी की जो ओथ होती है, शपथ होती है, वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है. आप ये ध्यान रखिएगा. सैलरी अलाउंसेस जो मिलते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? प्रधानमंत्री या मिनिस्टर्स को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम. ठीक है, तो पार्लियामेंट हैज़ पावर टू डिसाइड इट. ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 75 इज़ ऑल अबाउट. आर्टिकल 75 में कुछ और बातें जो मेंशन की गई हैं, मतलब हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही रिलेटेड बातें देख रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, मतलब कितने लोग उसके मिनिस्टर्स बन सकते हैं. तो कहा गया है कि जितनी भी लोकसभा की सीट होगी, एक संविधान संशोधन हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि जो भी हाउस ऑफ पीपल होगी, मतलब जो लोकसभा होगी, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उसके 15% से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी.
ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 81 आपके पास संख्या आएगी, 15% निकालेंगे, तो इसका मतलब आपके यहाँ जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 81, और प्रधानमंत्री भी किसमें, इसी में जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो कैबिनेट की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है वो 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स, किस संविधान संशोधन में कहा गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया। ठीक है, यहाँ पे दिया भी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता था स्ट्रेंथ के बारे में कि कितने होंगे, मैं कितने भी हो सकते थे, लेकिन 2003 में ये डिसाइड हो गया कि 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। और एक बात और यहीं पर ध्यान रखने वाली बात है कि कैबिनेट मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सदन के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी भी सदन का मेंबर ना हो, तब पर भी वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे अधिकतम 6 महीने के अंदर किसी न किसी मेंबर की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, गलत है, ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट ही हैज़ टू टेक मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि अ मिनिस्टर मतलब PM इज ऑल्सो अ मिनिस्टर, याद रखिएगा, तो वो भी मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में PM इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वो चाहे लोकसभा का मेंबर हो सकता है चाहे राज्यसभा का हो सकता है, मैंने कहा कि मंत्री दोनों सदन में से किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आर्टिकल 77 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, इसका मतलब जो सरकारी कार्य होते हैं वो किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। कहा गया कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जो भी सरकार के एक्शंस एक्शंस होते हैं, कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो किसके नाम पर होती हैं, प्रेसिडेंट, याद करिए सबसे पहले लाइन में मैंने कहा था कि देश की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा काम को करवाता है। ठीक है, ऐसा संविधान में लिखा है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव हेड भी उसे कहा जाता है। तो एग्जीक्यूटिव जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो किस में होती हैं, राष्ट्रपति में होती हैं, मतलब सारे काम उसी के नाम पर किए जाते हैं, बात समझ में आ रही है, कोई भी काम करेगा लेकिन किसके नाम पे करेगा, प्रेसिडेंट के नाम पे करेगा, इसीलिए सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिक, आप सारे लोग जानते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर्स होंगे जो प्रेसिडेंट के नाम पर क्या कहते हैं लिए जाएंगे, वो एक नियम के तहत जो भी राष्ट्रपति बनाएगा उसी के तहत उसे पास होना पड़ेगा, मतलब जो भी राष्ट्रपति ने कहा है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से, जिसको उसने अपॉइंट किया है कि ही विल डील दिस मैटर, तो वो अथॉरिटी उस चीज़ को साइन करेगी और वही उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगी। लास्टली इट इज़ नेम इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, अंततः तो ये किसके नाम पर होगा, प्रेसिडेंट के ही नाम पर होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ने जो नियम जैसा बना रखा है उसी तरीके से गवर्नमेंट के बिजनेस को किया जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट के काम को पूरा किया जाएगा। एक चीज़ और कही गई है, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब राष्ट्रपति को जब कभी भी लगे कि प्रशासन में कुछ असुविधा है तो वो उसको कन्वीनियंट करने के लिए, आसान बनाने के लिए वो नियम को बना सकता है, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं एडवाइस, वो बता सकता है कि दिस इज़ अ रूल, कि इस माध्यम से इस नियम को, इस बिल को पास किया जाना है। तो आर्टिकल 77 कहता है कि किसके नाम पर बिजनेस कंडक्ट होगा, किस प्रक्रिया से होगा, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर होगा, प्रेसिडेंट जिस तरीके से बताएगा नियम उस तरीके से होगा, किसी नियम की ज़रूरत पड़ती है सहूलियत के लिए तो प्रेसिडेंट उसे भी बना सकता है, आर्टिकल 77। याद करिए 74 क्या था, ठीक है, 75 क्या था एंड 77 क्या था, एक दो बार रिवाइज करेंगे, कहीं पर नोट डाउन करिए, ठीक है, आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है, प्रीवियस आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी हैं और प्रणब मुखर्जी जी हैं जो फॉर्मर आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं दोनों लोग, एक एक पद। तो यहाँ पे आर्टिकल 78 की बात करें, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या काम वो करते हैं, तो कुछ बातें कही गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ हैं क्या क्या हैं, मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है, क्या क्या वो जिम्मेदारी, नहीं भाई पद पर है तो कुछ ना कुछ उसकी ड्यूटीज़ होंगी। कहा गया है टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन लेगी उन सारे के सारे डिसीजन को कम्युनिकेट करेगा प्रधानमंत्री किससे, राष्ट्रपति से।
प्रेसिडेंट से। बात समझ में आया कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे पीएम एंड कैबिनेट से, वो सारे के सारे डिसीजन को किससे बताएगा? राष्ट्रपति से। कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए ना इसे कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक माना जाता है, एक बीच में जुड़ाव की कड़ी माना जाता है कि यही बात को ट्रांसफ़र करता है और चीज़ें बताता है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी चीज़ को मांगता है, मतलब प्रेसिडेंट, भले कोई मामला ऐसा है जिसे राष्ट्रपति जानना चाहता है, भले ही प्राइम मिनिस्टर बताया हो या ना बताया हो, तो अगर राष्ट्रपति किसी चीज़ के लिए कहता है तो वो जानकारी भी प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड करानी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ठीक है। और इतना ही नहीं, कहा गया है इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाई मिनिस्टर्स बट विच हैज़ नॉट बी कंसिडर्ड बाई द काउंसिल। क्या हुआ? ऐसा कोई मुद्दा हो सकता है जिस पे मिनिस्टर्स ने डिसीजन ले लिया है। कोई एक मिनिस्टर था, मान लीजिए, सिंपल मानिए कोई एक मिनिस्टर है, उसने कोई प्रस्ताव दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, लेकिन उसे काउंसिल ने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट को उस बात की भी जानकारी की आवश्यकता है तो वो प्रधानमंत्री उस बात को भी बताएगा। देखिए, अगर सारे लोग अग्री कर गए तो वो पारित हो गया तो उसको तो बताएगा ही, लेकिन अगर किसी मिनिस्टर ने कोई बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखी लेकिन वो कंसीडर नहीं की गई, तो उस बात को भी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही कन्वे करेगा, बताएगा। तो ये आर्टिकल 78 के अंतर्गत है कि क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं। अग्री? तो इतनी बात आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। मैंने चार आर्टिकल डिस्कस किए हैं, चारों को आप अच्छे से पढ़िएगा, कहीं पे डाउट होगा तो आप मेरे से ज़रूर बात कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, मैं आई लेट यू नो। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सारे लोग पहचान ही रहे होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। इसका मतलब क्या है? आप सारे लोग जानते हैं कि इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जो है, जो सबसे ज़्यादा, मतलब जो बहुमत प्राप्त करती है पार्टी, उसको, उसके बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्शन में किसी को बहुमत ना मिले, ठीक है। तो कहा गया इफ़ नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी, अगर कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, तो प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। तो प्रेसिडेंट को उसके विवेक के अनुसार, उसको लगे जो सरकार बना सकता है उस पार्टी को वो आमंत्रित कर सकता है और वो उसे प्रधानमंत्री बना सकता है। बहुमत की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन अगर क्लियर बहुमत नहीं है तो यूजुअली क्या करता है जो प्रेसिडेंट है, वो सबसे ज़्यादा सीटें जिसकी होती हैं, जो पार्टी बनाने में सक्षम होता है, उसे वो इनवाइट करता है, ठीक है ना। तो इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर बहुमत नहीं है तो। कहा गया दिस पावर वॉज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 1979, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी ये कौन है? प्रेसिडेंट है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट। जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी वो रद्द हो गई, मतलब कोलैप्स कर गई, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई, बहुमत नहीं था। तो उस समय पहली बार इस पार का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह जी को नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री बनाया था। प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, जो भी प्रधानमंत्री होता है या जो भी मिनिस्टर होते हैं, वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। मैंने कहा ये वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होंगे? केवल लोकसभा के प्रति। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो केवल कहाँ होता है? लोकसभा में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, और ये कहाँ के मेंबर थे? राज्यसभा के मेंबर थे। इन द सेम अभी के करेंट सिनेरियो में जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, मिनिस्टर हैं, ये भी कहाँ के हैं? राज्यसभा के हैं। तो ये कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे गए हैं कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा का व्यक्ति ही मिनिस्टर बनता है, राज्यसभा का व्यक्ति भी मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के टर्म के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, यूजुअली फेमस है कि 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये टर्म फिक्स नहीं है, टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है। ऐसा माना गया है कि प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति उसे हटाता नहीं है तब तक वो
पद पर बना रहता है। अब आप कहते होंगे कि भाई फिर 5 साल में कैसे चीज़ें भंग हो जाती हैं, तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, तो फिर इलेक्शन में इलेक्शन में जो नई सरकार चुनी जाएगी उसका नेता बनेगा। तो यूजुअली 5 साल में इलेक्शन हेल्ड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन ये 5 साल प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। और कहा गया कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी में रहता है, ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति नाराज हो जाए और उसे हटा दे इलेक्शन के पहले ही ना, लेकिन जब तक उसका बहुमत रहेगा तब तक उसे प्रेसिडेंट नहीं हटाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुमत नहीं है तो प्रेसिडेंट उसे बीच में भी हटा सकता है, अदरवाइज तो 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होंगे तो फिर गवर्नमेंट तो फॉल आउट करेगी ही, ठीक है। सैलरी क्या होती है पार्लियामेंट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम, मैंने इसके पहले डिस्कस कर दिया था। अगर उन्हें रिज़ाइन करना होगा, त्यागपत्र देना होगा, तो किसको देंगे, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि प्रधानमंत्री रिज़ाइन करे या उसकी मृत्यु हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर जाती है। इसका मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो रद्द हो जाएगी, इसीलिए जब दोबारा प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो उन्हें दोबारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, मंत्रियों की। तो जैसे ही प्रधानमंत्री अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देता है तो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अब फिर नया प्रधानमंत्री आएगा, वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दी, कुछ फैक्ट थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कुछ जानने वाली बातें थी, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसका सेकंड टॉपिक आपको जल्दी ही मिल जाएगा, सेकंड वीडियो, जहां पे हम ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे। दो लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जैसा भी आपका रिव्यू हो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।